हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 प्लीज टेक आउट योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज 6.3 पेज नंबर 97। अच्छा, 6.2 में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन ये सब किए थे। अभी इसमें क्या है, वैल्यू दे दिया है, उसको वैल्यू पुट करके तुमको आंसर निकालना है। ठीक है, तो नंबर 1 में देखो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे बहुत सारा एक्सप्रेशंस दिया है, उनमें से x है। अभी x का वैल्यू है 3, हर किसी में x का वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ए में देखो, 3x नंबर 1 का b मैं कर रही हूँ, 3x-6। ओके, 3x-6। ठीक है, अभी इसमें इधर जो x है उसका वैल्यू पुट करेंगे, 3×3-6। हर किसी में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो मुझे ये लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, अदरवाइज मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 3। ओके, हमेशा इसको लिखना है, नहीं तो मार्क्स काटा जाएगा। ओके, तो 3×3-6, 3×3 कितना होता है 9, -6 इज इक्वल टू 3, आंसर हुआ 3। ओके, नंबर डी का मैं दिखा रही हूँ, 2×3x-1। अभी इसमें x का वैल्यू कितना है 3, 2×3×3-1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हाँ पुटिंग ये x होगा, मैं गलती से लिख दी हूँ, p इसमें x जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3×3 कट जाएगा, 2-1 = 1, तो आंसर होगा 1। क्लियर। नंबर 2 का देखो, नंबर 2 का बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहले x इज इक्वल टू 3 था, अभी माइनस देकर दिया है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 का b जो है -3x² + 2x-1। अभी इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, -1² - 1, और जो जैसा है वैसा बैठ गया। अभी इधर लिख दिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, -3, और इसका मैं अगर स्क्वायर करूंगी तो माइनस चला जाएगा 1। इसमें ये दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो -2 + 1। ओके, तो -3 ± -2 + 1, तो इसका करेंगे तो ये दोनों का अगर करेंगे इसमें से तो -1 आंसर आएगा, -3 - 1 = -4, -4 हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 3 का, नंबर 2 का बाकी जितना सारा है वो तुम लोग खुद कर लेना। नंबर 3 का जो है देखो, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें मैं नंबर बी का कर रही हूँ, x² + y² + xy। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो 3 का बी, x² + y² + xy इज इक्वल टू, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी। ठीक है, x का वैल्यू बोल दिया है 1 और y का वैल्यू बोल दिया है -1, पुट करके 1×-1। ठीक है, तो 1² = 1, इसका भी 1 और इसका क्या होगा -1, तो 1 1 2 हुआ, 2-1 = 1। ठीक है, तो 1 हो गया आंसर। ओके, ऐसे करके नंबर 3 का जितना सारा है वो करना है। नंबर 4 का देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू -2। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। 4 का ए मैं कर रही हूँ, x² + y² + 2xy। ओके, तो x का वैल्यू पुट किए है, y का वैल्यू पुट किए है, इधर भी वैसा ही है, तो इसका 0 ही आएगा, इसका +4, इसका होगा 0 इज इक्वल टू 4 आंसर। क्लियर। अच्छा, नंबर 4 का बाकी जितना है तुम लोग खुद कर लेना, होमवर्क है। अच्छा, नंबर 5 का है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू -2। इसमें सिर्फ x का वैल्यू पुट करना है, सिर्फ x ही है। अच्छा, ओके, नंबर 5 का सी मैं कर रही हूँ, सी का है 2x² + 2y² - xy। ओके, जस्ट अ मिनट, 5 का मैं सी का थोड़ा गलत बोली हूँ, सी का है 2×4x-1 + 4×2x + 1। ओके, तो इसमें देखो मैं वैल्यू पुट करूंगी, सबसे पहले उसके पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में है उसको मैं निकाल लूंगी, तो 4×2 = 8x - 2, इधर होगा 4×2 + 8x + 4,
तो इसको मैं प्लस कर लूँगी 16x प्लस 2। अभी इधर x की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगी 16 इंटू माइनस 2 प्लस 2। इधर जो लिखना है वो मैं डॉट डॉट दे दी हूँ, ये तुम लोग लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, फिर उसके बाद 16 टू ज़ 32 माइनस 32 प्लस 2 इजल टू माइनस 30, ये वाला हो गया आंसर। ऐसे करके 5 का ए और बी कर लेना। नंबर 6 का, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी इफ द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस पी इजल टू 5 व्हेन ए नंबर है, ए नंबर में है x इजल टू माइनस 1, बी में है x इजल टू 1। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस पी इजल टू 5 व्हेन नंबर ए x इज इक्वल टू माइनस 1, उसका पहले मैं करूंगी। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस p इज इक्वल टू 5, ये मुझे एक्सप्रेशन दे दिया गया है। a का मैं पहले कर रही हूं, तो a का है x का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 पुट करेंगे। जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 पुट किए हैं, ठीक है। उसके बाद इधर ब्रैकेट में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। फिर उसके बाद देखो इधर स्क्वायर जो है माइनस वन स्क्वायर वन आएगा, 3 इंटू 1 प्लस इसको ऐसे ही रख देंगे, माइनस पी इजल टू 5। 3 इधर होगा माइनस 4 माइनस पी इजल टू 5। अभी इधर से मैं 4 को इस तरफ लेके जाऊंगी, 3 माइनस पी, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो गया। ओके, फिर माइनस पी, इधर इसको प्लस करके कितना होगा 9, और इधर प्लस 3 है, इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस पी इजगल टू 6, पी इजगल टू माइनस 6, ठीक है। तो पी का नंबर ए का जो है उसका आंसर आया माइनस 6। वैसे करके बी का करेंगे, ये वाला पूरा एक्सप्रेशंस लिखेंगे उधर, वन मतलब बी का एक्स का वैल्यू 1 है वहाँ पुट करेंगे, फिर आते आते जैसा होगा वैसा पी का वैल्यू निकलेगा। ओके, तो नंबर बी का तुम लोग कर लेना। अच्छा, लास्ट है नंबर 7, उसका देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 3 b इज इक्वल टू 1। ये भी इसमें भी ab का वैल्यू पुट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो पहले मैं एक्सप्रेशंस जो है वो लिखी हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, फिर इधर वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू है माइनस 3, माइनस 3 होल क्यूब माइनस मतलब 1 है सिर्फ b का वैल्यू 1 क्यूब प्लस, फिर जैसा जैसा वैल्यू है पुट करेंगे। उसके बाद इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद इसका होगा माइनस 27, इसका होगा माइनस 1, इसका होगा प्लस 27, इसका होगा 9। ओके, नेक्स्ट प्लस 27 और माइनस 27 काटाकुटी हो जाएगा, उसके बाद ये वाला आएगा 8, तो आंसर होगा 8। तो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीटेड। ओके।